नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो यादगार बन जाती हैं, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर की फिल्म नायक की तर्ज पर गांव कसान का वृद्ध शिव शरण बना एक दिन का डीसी। एक दिन के डीसी ने जिला के अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को जनता की सेवा करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के उपलक्ष्य में जिला के एक वृद्ध को एक दिन के लिए उपायुक्त की कमान सौंपी गई। पलपल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, आपने नायक फिल्म के अभिनेता अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनते देखा होगा, परंतु एक बुजुर्ग को एक दिन का डीसी बनाया गया। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है। यह कोई फिल्म की नहीं बल्कि कैथल जिला के उपायुक्त कार्यालय की रियलिटी है। कैथल की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने जहां एक बुजुर्ग को इंटरनेशनल ओल्ड डेज पर जहां पर अपने डीसी पद को सुशोभित किया है, वहीं उनके कार्यों को निपटाने के लिए उन्हें जिला के एक अधिकारी के तौर पर कमान भी सौंपी। कैथल के गांव कसान का यह बुजुर्ग रामशरण है, जिसे एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर की पावर स्वयं कैथल डीसी प्रियंका सोनी ने अपने हाथों से सौंपी। प्रियंका सोनी ने बताया कि आज इंटरनेशनल ओल्ड डेज है और इसके चलते उन्होंने इस बुजुर्ग को एक दिन के लिए सम्मान देने की सोची, ताकि वह बुजुर्ग एक कार्यक्रम में उनसे जो भी कार्य करवाए जा सकें वो करवाए, क्योंकि बुजुर्ग एक कार्यक्रम में उनसे शिकायत करने आया था। ऐसे में उन्होंने मन में विचार किया कि यह बुजुर्ग स्वयं एक अधिकारी बनकर क्यों ना अपना कार्य करें। इसी को सोच में लेकर के उन्होंने जिसे जिला उपायुक्त की कमान सौंपी। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के अवसर पर यह बुजुर्गों को सम्मान देने को लेकर के एक प्रयास है। इससे जहां पर वृद्धों को सम्मान मिलेगा और बच्चों को भी यह शिक्षा मिलेगी कि वह अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कैसे करें। राम शरण ने स्वयं डीसी की कमान मिलते ही डीसी कार्यालय पहुंचकर जहां अपनी कुर्सी ग्रहण की, वहीं मौके पर उनसे लंबित कार्य की गिरदावरी से संबंधित समस्या को हटाने के लिए नायब तहसीलदार को आदेश दिए। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों की समस्याओं को भी दूर करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने इसके साथ साथ यह भी कहा कि अधिकारी व कर्मचारी तथा इसके साथ साथ पुलिस के कर्मी भी अपनी ड्यूटी को निष्ठा से निभाएं, क्योंकि सरकार उन्हें इस पद पर लगाया है, उनके लिए उन्हें अच्छी तनख्वाह देती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों, कर्मचारियों और गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों की फरियाद को अच्छी तरह से सुने तथा उनकी सहायता करें। अपनी शिकायत को लेकर के आई महिला ने एक दिन के डीसी के सम्मुख अपनी शिकायत रखने के बाद मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि एक दिन के डीसी ने उनकी अच्छी तरह से बात सुनी और अधिकारियों को मेरी सहायता के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कैथल के उपायुक्त का वृद्ध जनों के प्रति सम्मान का यह अनोखा तरीका एक बड़ा अच्छा कदम है। दोस्तों, यह वीडियो इतना वायरल हो चुका है कि पूरे देश में इस काम की चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा में क्या करोगे, आपकी क्या प्राथमिकता होगी? के काम होना चाहिए जिले में करें, सुनते हो जिम्मेदार बढ़ जाए, अफसर ने काम कर लिया जब। अच्छा, हाँ जी, जी कल लोगो पटवा कराना चाहिए काम। तो आज मैडम डीसी ने आज आपका डीसी बनाया एक दिन के लिए, तो क्या काम करोगे सप्ताह पहला आप? यू ही काम करेंगे, अच्छे काम करो, अफसर आते यही कहेंगे उनके कहेंगे। आप आपस में जोड़ बता, इनका बताने से तो लड़ाई को नहीं होती। अब आपस में हम जोड़ जाए, आपस में सिर फूट जाए, तो इन जोड़ो बताने को नहीं जानते। ऐसे क्या कार्य थे जो आप जिसके लिए? मन 9 साल हो गए जी, मुकदमा में 6-7 करने को आ गए, मौका देखा आज एक ने सवा किला मनना आवे और गेहूँ डुबो लिया सारा पता। 6-7 कानों को आ लिए होंगे, ये कानों को है यू कमल 7,000 रुपये ले गया मेरे पास, और 3 घंटे मेरी जमीन कटाई दी, अगला पता ज़्यादा ले लिए। हाँ, आवा सवा किला 3 घंटे मेरे लिए तो ज़्यादा दे दिए, मजा डाका भाई। तो किसान अच्छा बालू मरबा बंदी की गमी 60 साल की मरबा बंदी काटी हुई,
किसान की जमीन में को बालू के खड्डे, वह सारी गमी 32,000 रुपये लेगा बालू वाले मत है, वह सारी गमी किसान आड़ी में कर दी। तो ये तो तेरा अपना काम हो गया। अच्छा काम करांगे जी, अच्छा काम करांगे। तो मैडम ने आज डीसी, मैडम ने आपको डीसी, ठीक है फिर अच्छे काम करांगे भी। आपको पता है डीसी क्या होता है? पता है डीसी तो बताइयो कौन हुआ डीसी? डीसी सब सारा जिले का मालिक होगा। सारा जिला का मालिक हो है। आज आप हो मालिक? हाँ मालिक तो यही रहेगी, मैं कुछ करो। सबसे पहला योगोत्तर बताइए, योगोत्तर बताइए। आपकी गोद क्या? लौरस है, लौरस पहला उसकी लायत है रामचंद्र की, हमारा गोद। आपका नाम पूरा बताओ। शिव शरण, शिव शरण, शिव शरण है मेरे बाप का नाम सुरता है। गांव किसान पहला ऑर्डर के देगा, मतलब अधिकारी सभी आप आदेश दो, कोई काम होगा। मैं तो यूए ऑर्डर दूंगा, बस जिसका काम उनका काम करो, काम करे तो फिर वो दुनिया ठीक बस है, तनख्वाह नौकरी भी ले सब मिले। नटकाओ बुढ़िया की तो बन रही है, अभी जो बन रही है बना लाग रही है, लाइन में लगना पड़ा उनकी। सीजन चला हुआ है उसको लेकर क्या? नहीं पिल्सन तो ठीक है। आज आपकी कलम से जो आप पारित करोगे वो कार्य होगा, तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जिसको आप आज करेंगे? ठीक है, काम तो हरियाणा काम तो सरियो जात करेगी जी, मुकल्ला के किया। आप आज जिले के खुद मालिक हो, अफसरा ने भाई आप सबका काम करो, पब्लिक की सुनवाई। मैं तो यही कहूंगा और के कहूंगा भी, सब तनखा जो वही दुनिया सुखते बस है, थारे बताने तो लड़ाई को नहीं होंगी, माँ में आपस में जोड़ पर लड़ पड़ा सिर फूट जाए फिर जेल में जाए। मारे पोता है एक वकील बन गया है, और एक गंठा जमीन डिगा रखी है थी, और मरबा बंदी की जोड़े मैंने गवर्नमेंट पर बनवा रखी है, कागज है मेरे पास। अरे भी ठीक भी है, बाजे बाजे खाए के भी निकाम करते खाए के भी निकाम। मैंने एक किला रख रखा है, आ जाओ फिर आके फिर जवाब देगी। मैंने कही है मेरा किला कब्जा करा, एक पड़ोसी है, सब कुछ मेरा नाम है, किला मेरा नाम से, गिरदौरी मेरा नाम से, अंतकाल मेरा नाम से, मैं खेत में जाऊँ मन मारन की धमकी देवे है, फसल बहुत बुरा बात कर दे है, मलंगा ना लेके ना आ जाए गाड़ी और मारन की धमकी देवे है। आज आप इनको क्या कहा आपने? मैंने ये कहा है जी मेरी जमीन मेरा भी समाधान कर दो, मैंने एक साल तो हो गए धक्के खादी ने, और क्या हो जाएगा समाधान? खुश है आप खुश है? आप एक डीसी ने आपकी बात मानी है, उस पे दुनिया से काम होगा। कहो है भी इन्हों का पुलिस करेगी कार्रवाई, मानेगी माँ जी, आप अफसर ऑर्डर देंगे जब करेगी पुलिस भी जी। आज इंटरनेशनल डे फॉर ओल्ड एज है, और पूरे विश्व भर में 1 अक्टूबर जो है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्ड एज मनाया जाता है, और इस दिन को सेलिब्रेट करने का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों में जागृति पैदा करना कि किस प्रकार जब लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं और वृद्ध हो जाते हैं, तो उनकी किस किस प्रकार की ज़रूरतें रहती हैं, और किस प्रकार हमें जो समाज का युवा वर्ग है और जो बच्चे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका भरण पोषण करें और उनको पूरा सम्मान और आदर दें। तो उसी के चलते एक ये लोगों को प्रेरित करने के लिए आज का ये पूरा प्रोग्राम सेलिब्रेशन हुआ था। पहले ये बाल उपवन आश्रम जो है सनातन धर्म मंदिर के, उसमें सेलिब्रेशन हो रहा था, और वहाँ पे हमारे सामने बाबा जी आए और उनके द्वारा ये शिकायत की गई कि उनका जो काम है वो काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा, और जनरली जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे थोड़ी मायूसी उनके चेहरे पे भी दिखी, तो उसके चलते हम इनको एक दिन के आज डीसी ही बनाया है, और जो इनका काम अटका हुआ था किसान गाँव में तो उससे संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बुलाया जा रहा है, और जैसे जो भी एज पर रूल आदेश दिए जाएंगे उसकी पालना भी कराई जाएगी। आज ये सेलिब्रेशन करने का मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे वृद्ध लोग हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में पता रहे। सीनियर सिटीजन एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं
जिससे कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से प्रताड़ित हैं वो लोग उसमें बहुत आराम से जाके रिलीफ ले सकते हैं। एक तो उसके बारे में जागरूक किया गया और दूसरों बच्चों को भी बताया गया कि किस प्रकार हर किसी को एक ना एक दिन वृद्ध बनना ही बनना है, तो अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस रीत को कायम रखेंगे तो वो हर किसी के लिए अच्छा रहेगा। मैम अक्सर ये फिल्मों में देखा गया है कि इनके पास पूरी पावर रहेगी। जो ऑर्डर जारी होंगे वो सारे किस तरह का एक दिन का डीसी ना कि वैसे ये नोशनल है रेदर देन कि मतलब एक दिन की पूरी वो करने के लिए एक नोशनल ये बनाया गया है। ऐसा कोई वो कागजी पत्र वो प्रक्रिया नहीं है बेसिकली। क्या ऐसा कर सकते हैं मैम प्रावधान है ऐसा? देखिए हमें इन सबको समाज को पूरा बताने के लिए कि इनका आदर और सम्मान के योग्य है। जगह पे जैसे जो कई बिल्कुल इलाज बीमारियों से जो बच्चे पीड़ित होते हैं उनको भी एक दिन का डीसी और इस एसपी भी बनाया जाता है, आईजी भी बनाया जाता है। तो ये एक नोशनल केवल है, सामाजिक तौर पे ये एक किया जाता है। पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैम इसमें। ऑर्डर दिए जाएंगे उनके पास। इनकी मुख्य मैडम गांव में इनकी जमीन का एक झगड़ा है जिसके चलते ये कानून को और पटवारी से कई बार मिले हैं पर उसका समाधान नहीं हुआ। तो उसके लिए अधिकारी अभी उसके लिए अधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है। थैंक यू। आप तो आप पे ओडी थी या तो आप